नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तो जमानत मिलते मिलते रह गई, लेकिन झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को आखिरकार जमानत मिल ही गई। 5 महीने के बाद सोरेन जेल से बाहर आ गए, लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जी हाँ, ईडी ने केजरीवाल वाला तरीका अपनाते हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है ताकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर ना सके, लेकिन फिलहाल के लिए हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो गए हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोरेन करीब 5 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 13 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने 27 मई को झारखंड हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन पर 8.42 एकड़ जमीन घोटाले का आरोप है। ईडी ने हाई कोर्ट में कई महत्वपूर्ण सबूत पेश किए थे। कोर्ट में ईडी ने दावा किया था कि हेमंत सोरेन ने बड़गाई की 8.5 एकड़ जमीन पर कब्जे के लिए अधिकारियों से भी मदद ली थी। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि कोर्ट ने सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सोरेन ने याचिका में ये खुलासा नहीं किया कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। ईडी ने दलील दी थी कि अगर हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो जेल में बंद सभी नेता जमानत की मांग करेंगे। अब जाहिर है बीते लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन कहीं नहीं दिखे। सोरेन इस दौरान जमीन घोटाले के आरोप में लगातार जेल की दीवारों के पीछे रहे। चुनाव बीत गया, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें प्रचार के लिए जमानत नहीं मिली, मगर आज झारखंड हाईकोर्ट के फैसले से ना सिर्फ हेमंत सोरेन को बल्कि उनकी पार्टी समर्थकों को सही मायने में हिम्मत मिली होगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।